जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे, और अफसोस ये है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के डीजी हैं ही इज मोर यू नो बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली, उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए, आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेट, कभी दूसरा रेट, कभी ईडी का रेट, कभी इनकम टैक्स का रेट, हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन, उनको जेल में डाल क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे, कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्ज़ाम दे के। हर चीज़ में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें, उनको यूज़ किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहाँ बकौले इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के ख़िलाफ़ क्या है, अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहाँ का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहाँ चलाई गई, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए। वहाँ जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजाद गनी लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबोते पे ख़त्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। यू शुड हैव रिजाइन देन। उसके बाद इतने लोग रोज़ हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज़ हमारे जवान शहीद होते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर, कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है, भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से, या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई मीडिया पे लिखता है सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ की, यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जी कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था वो, चाहे वो जाम भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं, सारा निज़ाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से
जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ? आप ही लोग गार्ड करते हो, और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज़ की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहाँ के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला, यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। मेन स्ट्रीम जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटेड थी, पाकिस्तानी आइडियाज से सिविल सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट किया था, और मेन स्ट्रीम जो है वो हॉबनॉबिंग कर रही थी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और सेपरेटिस्ट को पैंडर कर रही थी। बहुत बड़ा एलिगेशन है, और ये किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने नहीं कहा है, डीजी ने कहा है, डीजीपी ने। मेरे भाई, पिछले 6 साल से मैंने कहा यहाँ बीजेपी का डायरेक्ट रूल है, यहाँ बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है, यहाँ सब चंगा है 370 खत्म करने के बाद, यहाँ इनका नैरेटिव चल रहा है, रोज़ ईडी की, SIU SIA की रेट्स पड़ती हैं, इनकम टैक्स की रेट्स पड़ती हैं, आप बात नहीं कर सकते हो, कुछ दिखा नहीं सकते हो, सारा इनके कंट्रोल में है, हम तो है ही नहीं यहाँ, सारे मिलिट्री जो हुर्रियत लीडर हैं या जेलों में हैं या मर गए हैं, तो फिर 6 साल से ये क्या कर रहे हैं? 6 साल से यहाँ लोग क्यों मारे जाएं? नॉर्थ कश्मीर में 6 साल इनकी हुकूमत के बावजूद क्यों लोगों ने प्रेफर किया उस आवाज़ के पीछे खड़ा होना जो यहाँ रायशुमारी पेल्बिसाइड सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है, बजाय इसके कि वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वहाँ लड़ रहे थे उनके साथ खड़ी है? उनकी नाकामी नहीं है? अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं, दे वॉन्ट हाइड बिहाइंड मेन स्ट्रीम एंड रीजनल पार्टीज, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। ही शुड बी सैक्ड। जब यहाँ की मेन स्ट्रीम की बात देखते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बातचीत सबसे बड़ा रास्ता है, हर चीज़ का मसला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्ड मिलता है कि भैया बात किससे करें, उस पाकिस्तान से जो वहाँ से एलके अडवाणी ने क्या किया, वो तो उस वक्त नहीं, उस वक्त क्या हो रहा था जब एलके अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं नहीं, वो ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्यों बात की? वाजपेयी जी क्यों पार चले गए? पहली बार रास्ते खुले और यहाँ हालात पहली बार ठीक हो गए। 2002 से अगर आप देखेंगे 2007 तक हालात ठीक थे, जब तक लैंड रोल नहीं हुआ था। तो इसका तो कोई इलाज नहीं, अभी तो 6 साल से इलाज कर रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या हुआ? नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, बता रहा हूँ कि वो पास्ट था, प्रेजेंट सिनेरियो जो है पाकिस्तान का सिर्फ एक ही काम है, इन्फिल्ट्रेट वहाँ से करवाना, यहाँ के जो मिलिटेंट्स है उसको दोबारा उभार देना। तो क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द डीजी डूइंग? इन्फिल्ट्रेशन का काम रोकना मेरा काम है, उमर अब्दुल्ला का काम है, या इनका काम है? बॉर्डर्स पे कौन है? अंदर किसको डील करना है? किसने पुलिस फोर्स को मिलिटराइज किया है? हु हैज क्रिमिनलाइज्ड द थॉट प्रोसेस ऑफ कश्मीरीज? कोई सोचता है उसको भी जेल में डालते हो, प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको भी जेल में डालते हो, बात करने नहीं देते हो, क्या हासिल किया है इसने? बल्कि सारे कश्मीरी लोगों को, स्पेशली मेजोरिटी कम्युनिटी को एलिनेट किया है। ही इज ट्रीटिंग देम एज पाकिस्तानीज। तो इस माहौल में है पॉसिबिलिटी किसी भी किस्म का डायलॉग प्रोसेस होने? पहले यहाँ के लोगों को तो छूट दें, पहले यहाँ के लोगों के साथ तो बात करें। He is talking through the barrel of gun, through weaponizing of passports, through weaponizing of verification, through weaponizing of ये जो इनकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको वेपनाइज करते हैं, और कहते हैं कि आसिया और नीलोफर इसको CBI ने, अरे CBI पे किसका भरोसा? ममता बनर्जी से पूछो, वहाँ CBI को घुसने देती है? मैंने कुठवा की बच्ची को अगर CBI को दिया होता तो उसका हशर भी वही हुआ होता जो आसिया नीलोफर का हुआ।
आज वो सारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं। इट वॉज महबूबा मुफ्ती हु पुट हर फुट डाउन। हमने कहा हमारी अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस कॉम्पिटेंट इनफ है, और तभी वही वजह है कि आज वो सब लोग जेलों में, नहीं तो वो भी, उनका भी वही हाल हो गया होता जो बाकी केसेस में होता है।